नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भोजपुरी की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर है दोस्तों भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की तरफ से जिनकी फिल्म जय बीरू का वीडियो गाना जिसका नाम है चुम्मा से दिएला ऊर्जा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है और इस वीडियो गाने को अब तक 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से भी ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है। दूसरी खबर है दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से जिनके इस साल के बोलबम वीडियो गाने को जिसका नाम है हरियर हरियर चुड़िया टीम फिल्मर भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है और इस गाने को मात्र 8 घंटे में ही 1 मिलियन से ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है। और इसी के साथ पवन सिंह का यह पहला ऐसा भक्ति बोलबम गाना बन चुका है जिसे इतने कम समय में इतना ज्यादा व्यूज मिला है। अभी तक भोजपुरी के किसी भी भक्ति गाने को इतने कम समय में इतना ज्यादा व्यूज नहीं मिला है और इस गाने को अब तक यूट्यूब पर 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख से भी ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है। तीसरी खबर है दोस्तों प्रमोद प्रेमी यादव जी की तरफ से जिनकी आने वाली फिल्म आशिक दीवाना का ऑफिशियल टीजर यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में प्रमोद प्रेमी यादव का जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। इस फिल्म के टीजर को आप लोग यसी फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चौथी खबर है दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से जिनकी आने वाली फिल्म जय हिंद का तीसरा पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर दिया गया है और इस फिल्म के ट्रेलर को आप लोगों के बीच जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर यसी फिल्म्स यूट्यूब चैनल द्वारा रिलीज किया जाएगा। पांचवी खबर है दोस्तों भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की तरफ से जो अपनी आने वाली फिल्म सैया अरब गइले ना की शूटिंग करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ दुबई पहुंच चुके हैं जिसकी एक तस्वीर सामने आई है जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। छठवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से जिनका इस साल का 5वां बोलबम गाना जिसका नाम है कॉल टाइम 3:30 बजे। इस गाने को पिछले दिन शाम 6 बजे रिलीज किया जाना था लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इस गाने को रिलीज नहीं किया गया लेकिन आज सुबह 8 बजे इस गाने को PRS फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जाएगा। सातवीं खबर है दोस्तों अंजना सिंह की तरफ से जिनका इस साल का पहला बोलबम गाना जिसका नाम है बम बम भोले आज सुबह 6 बजे यश कुमार इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। आठवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की तरफ से जिनका इस साल का एक और बोलबम गाना जिसका नाम है बोलबम से चूड़िया ले ले आई है फुल वीडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है जिसे आप लोग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नौवीं खबर है दोस्तों प्रमोद प्रेमी यादव जी की तरफ से जिनकी फिल्म मैं सुपर किंग डानू का एक गाना जिसका नाम है हिरनी जैसन चाल यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है जिसे आप लोग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। दसवीं खबर है दोस्तों दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की तरफ से जिनका इस साल का एक और बोलबम गाना जिसका नाम है आगे चला जल मिली फुल ऑडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है जिसे आप लोग जी म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। ग्यारहवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर और एक्टर रितेश पांडे जी की तरफ से जिनका इस साल का एक और बोलबम गाना जिसका नाम है रंगीलो सावन आयो रे फुल वीडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है जिसे आप लोग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बारहवीं खबर है दोस्तों अंजना सिंह की आने वाली फिल्म अर्धांगिनी की तरफ से इस फिल्म का सेकेंड लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हो गई है और इस फिल्म की एडिटिंग पर काम चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को आज की ताजा खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।